वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से कुछ घंटों के अंदर AEW का फुल गियर पे पर व्यू लाइव जाने वाला है। और गाइज, अगर आप लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो आप लोग को ये बात भी जरूर मालूम होगी कि आज यहाँ पर AEW के फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर टोनी खान AEW के अंदर एक न्यू रेसलर को साइन करने वाले गए। और गाइज, वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि विल ऑस्प्रे को टोनी खान आज पे पर व्यू पर साइन करेंगे। बट गाइज, यहाँ पर इसके अलावा AEW के अंदर रोंडा राउजी के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के भी बहुत ही तगड़े रूमर चल रहे गए। क्योंकि गाइज, यहां पर AEW के फुल गियर पे-पर-व्यू के पहले कल यहां पर आरवीएच के वीकली टीवी शो के ऊपर रोंडा राउजी ने AEW के शो पर डेब्यू कर दिया है। और गाइज, कल यहां पर रॉरवेज रेसलिंग के वीकली टीवी शो के ऊपर रोंडा राउजी के डेब्यू मैच के अंदर रोंडा राउजी के आरवीएच के वुमेन चैंपियन को कन्फ्रंट करने के बाद अब यहां पर इस चीज के तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली कल AEW के फुल गियर के ऊपर टोनी खान रोंडा राउजी को ऑफिशियली AEW के अंदर साइन करे। और गाइज, हो सकता है रोंडा राउजी वो रेसलर हो जो कल ऑफिशियली AEW के अंदर टोनी खान के साथ कंपनी में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। वेल गाइज, ये तो AEW के पे-पर-व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि टोनी खान AEW के फुल गियर के ऊपर रोंडा राउजी को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते गए या फिर टोनी खान फुल गियर के ऊपर AEW में किसी और रेसलर को साइन करते गए। वेल, बात करें किसी और रेसलर को साइन करने की, तो गाइज इस चीज को लेकर भी रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से तगड़ी रूमर चल रही है कि AEW के अंदर टोनी खान ईवा मरीन को साइन करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और क्योंकि ईवा मरीन के WWE से फायर्ड होने के बाद ईवा मरीन ने अभी तक WWE के बाहर किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है, तो गाइज इसीलिए इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि आज यहां पर AEW के फुल गियर के ऊपर टोनी खान ईवा मरीन को साइन करे। वेल, अब ये तो पे-पर-व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि टोनी खान किसको साइन करते गए।